हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और रेपियर जेकार्ड के नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे वार्प और वेफ्ट क्या होता है। आप देख सकते हो मैंने एक पिक्चर ली है, जिस तरीके से बुनाई होती है कपड़े की, ये उस तरीके की पिक्चर है। तो जिसमें एक धागा जो है व्हाइट वाला जो साइड से आ रहा है, और एक है ब्लू वाला जो ऊपर की तरफ से आ रहा है। तो ये जो साइड से आ रहा है वो है हमारा वेफ्ट, और जो ऊपर की तरफ से आ रहा है वो है हमारा वार्प। अगर आपको समझना है कि कौन सा वार्प है और कौन सा वेफ्ट है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सेल्वेज जानना होगा। सेल्वेज क्या होता है? तो सेल्वेज होता है हमारे कपड़े के जो साइड पे आता है, आपने देखा होगा एक पट्टी सा दिखता है जिसमें कुछ डॉट्स भी दिखते हैं, तो उसे हम सेल्वेज कहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक साड़ी का फोटो लिया है, जिसमें मैंने ये 5 मीटर जो पूरी साड़ी होती है वो लिखा है, इस तरफ उसका पना लिखा है, आप देखोगे 1.2 मीटर, और साइड में दोनों तरफ सेल्वेज है। तो जो इस तरीके से आप देख सकते हो ये ग्रीन वाली जो लाइन जा रही है वो है हमारी वेफ्ट। इसे मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाता हूँ। आप इस क्लिप में जो रेड यान देख रहे हो वो हमारा है वेफ्ट। इसी तरीके से हम वार्प को भी समझते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक वाली लाइन मैंने एक ली है, वो है हमारी वार्प। इसे भी हम एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो इस क्लिप में आप जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो वो है हमारी वार्प। अगर आपने हमारी लूम फाइल किस तरह से बनाते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। इसे हम एक और एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हो एक वाइट यान जो है जो ऊपर की तरफ से सिंगल आ रहा है, वो हमारा है वेफ्ट। और दूसरे दो यान, एक वाइट है और एक रेड है, जो ऊपर नीचे बार बार हो रहे हैं, वो है हमारे वार्प। तो इसी तरीके से आप किसी भी कपड़े की सेल्वेज को देखकर उसकी वार्प और वेफ्ट का पता लगा सकते हो। आशा करता हूँ आप वार्प और वेफ्ट के बीच का डिफरेंस समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।